फैमिली में आज हमने एकत्रित हुए हैं, और दूसरा मैं अपने जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसका थैंक्स करना चाहूँगा, और हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं महेंद्र जी सुधीर जी इनका जिसे थैंक्स करना चाहूँगा। और लगभग 5 महीने से इस सिस्टम में सीख रहा हूँ, और जब इस सिस्टम के बारे में बताया गया तो मुझे 4 चीज़ें अच्छी लगी, और मुझे इस सिस्टम में किसी ने ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने खुद जाके इसको ज्वाइन किया। क्योंकि सबसे खास बात क्या है कि जो 4 चीज़ें इस सिस्टम के अंदर है बाकी किसी के अंदर नहीं है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हैं, जब आप उनका फैक्ट्री का देखना चाहेंगे तो बहानाबाजी के साथ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस कंपनी के पास था। दूसरा प्रोडक्ट का बात करें तो मार्केट में कैप्सूल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, जूस मिलेगा, सिरप मिलेगा। लेकिन मुझे यह दिखा कि वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो ड्रिंक के ऊपर काम कर रही है, जो कि मार्केट में है किसी के पास नहीं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेडिकल वाले हैं, हॉस्पिटल है, उनको कवर कर सकते हैं। तीसरा प्लान की बात करें तो इतना बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अभी मैंने अपने नाक पे और की फोटो डाली थी 73,582 रुपये की नाक भी थी। तो हमारा जो विरोधी दल है उन लोगों ने इलेक्शन भी किया कि मंटू भाई गलत काम कर रहे हो। मैं क्या गलत काम किया कि आप पेयर डाल रहे हो, हमारी टीमों पर असर पड़ेगा। तो उससे मुझे क्या करना है, मैंने 80,000 का बिजनेस लिया और 73,582 का पे उठाया, फिर ऐसा कैसे हो गया? बट ये तो समझना है ना, ये समझने मुझे 8 महीना लग सकता है, तो क्या आपको एक दिन में समझ आ जाएगा? उसके लिए बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी की सर्विस खास करके इस कंपनी ने ई कॉमर्स को फोकस किया। अभी कभी एक मित्र से बात हो रही थी, उन्हें बोला मंटू जी मैंने मतलब मल्टी प्रोडक्ट में बहुत सारी कंपनियों को करने का विचार बनाया, लेकिन वहाँ ई कॉमर्स को फोकस करना बड़ा मुश्किल था। क्या है, जेब के अंदर पैसा डाल के ऑफिस जाना पड़ता है, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए जेब में डाल के निकल जाना पड़ता है। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर एक ही चीज़ अच्छी लग रही है कि मतलब हम घर में बैठे बैठे बिलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट घर में बैठे बैठे पहुँचा सकते हैं, और पैसा हमारे खाते में आ जाएगा। तो इसके अंदर बहुत आसान दिख रहा है। तो ये 4 चीज़ें आज से लगभग 5 मंथ पहले मुझे क्लियर हुई थी, और मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया महेंद्र जी से, और इन्होंने मेरा वाई क्लियर करने में बहुत हेल्प किया। तो मैं सर का भी तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा, सर के भी क्लैपिंग हो जाए। लगभग 33 लोगों को बताया, 33 लोगों में से 21 ID स्पॉन्सर थी, और 21 में से 2 लोगों ने बिलिंग करवाया, और 2 के माध्यम से 937 ID एक्टिवेट हो चुकी हैं, और 3,000+ का ग्रुप बन चुका है, और टोटल सेल की बात करें तो लगभग 50 लाख से प्लस का जा चुका है। और जैसे मैंने कभी बताया पिछले हफ्ते का 73,582 रुपये का पेआउट है। हेलो, तो अगर 73,000 एक हफ्ते का बन सकता है तो 7 लाख भी बन सकता है, और 70 लाख भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा समझता था विश्वास, हस्बैंड और वाइफ का एक रिश्ता होता है, उसमें थोड़ा सा शब्द डाउट आ गया तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको पूर्ण रूप से कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ब्रांड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी की सर्विस पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपने के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उससे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हेलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो इसके लिए यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कामयाब हो सकता है, इस कंपनी के अंदर हर आदमी कामयाब जा सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और एक प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लुधियाने से दिल्ली अगर यहाँ आए हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड में रोड का बना है कि हमें जाना कैसे, कि मतलब पहले हमने अपने आप से पूछना है कि क्या वाकई हम 1 लाख रुपये कमाना चाहते हैं। अगर कमाना चाहते हैं तो उसके लिए रोड मैप क्या है, और रोड मैप अगर बना लिया तो उसके लिए एक्शन क्या है। हेलो, तो ये हमने किया, प्लानिंग के तहत चले, और अच्छा कॉन्सेप्ट याद आया है। और लाइक में मतलब थोड़ी स्टोरी है, मतलब कि एक घर के अंदर आग लग गई थी और एक चिड़िया तार के ऊपर बैठी थी, उसने क्या किया कि टंकी में से एक एक बूंद मतलब जो जो भर के पानी उस घर के अंदर डालना शुरू किया। तो बगल में बैठ के कौवा देख रहा था, तो उसने 10-12 बार देखा और चिड़िया का टोका कि पाले चिड़िया तो क्या कर रही, मतलब तेरे एक बूंद से क्या ये घर का जो आग बुझ जाएगा? कहता कि मेरे एक बूंद से घर का आग तो नहीं बुझेगा, हो सकता है मेरी इसके अंदर डेथ भी हो जाए, लेकिन जब इसका इतिहास सुनाया जाएगा तो मेरा जो इतिहास है वो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। हेलो, तो कहने का मतलब दोस्तों,
अगर हम इस सिस्टम के अंदर अमीर बनेंगे तो अकेला हम अमीर नहीं बनेंगे, हमारा परिवार भी बनेगा, हमारे दोस्त भी बनेंगे, और जिसको हम सिस्टम के अंदर लेके आएंगे वो लोग भी अमीर बनेंगे। तो क्या हम उनके लिए सजेस्ट नहीं हो सकते? तो दोस्तों, किसी से दोस्त ने बोला है कि सोच को बदलो। हेलो, चलिए ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सर।